हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत कोई कर रहा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नहीं, सभी कांग्रेसजन किस तरह का माहौल है? सभी कांग्रेसजन मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी पूरी पार्टी मेहनत कर रही है। घोषणा पत्र आने के बाद माहौल कितना बदला है आपके पक्ष में? पहले भी पक्ष में था, अब भी पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कल अमित शाह भी यहाँ आए थे, अमित शाह किस तरह से आपके बाप बेटों पे कह रहे थे, वो आप कर रहे थे? उनकी अपनी सोच है, जो लोग जो चाहते हैं उसी को आगे लाते हैं। बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो, कहीं ना कहीं दलितों का मुद्दा हो, उठा रही की कुमारी सैलजा अशोक और इन सबका अपमान करने के लिए। उनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धि बता रही हो जाए, ऐसी बातें टूटते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ आने वाले हैं, परसों चुनाव प्रचार आएंगे। बीजेपी वाले राहुल गांधी पे भी हमला कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, अपनी उपलब्धि बताए। जब तो 10 साल उनको यहाँ सरकार में होगी, बीजेपी जेजेपी कहाँ, हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कहाँ तो हरियाणा नंबर एक था प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में, कहाँ आज बेरोजगारी में नंबर एक है। आज असुरक्षा हुई है, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। कल जिस तरह से आपकी रैली में भी मैं था, वहाँ जो सुन रहा था, आपने जो मुद्दे उठाए कि हरियाणा के विकास और जो ड्रग्स का है, पंजाब के बाद नंबर वन बन गया है, कोई तो हरियाणा बना है। नहीं, पंजाब तो पीछे था, पंजाब से पहले पीछे थे, आज पंजाब से बहुत आगे। जिस तरह आपने वही विकास और बच्चों के रोजगार इन सब मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी उपलब्धियों में मांग रहे हैं। तो लोगों ने तोड़ के देख लिया हमारी कांग्रेस की सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और इस साल की 10 साल की इनकी विफलता है। ठीक है, बीजेपी में नायाब सिंह सैनी और खट्टर अनिल विज सब अलग अलग अपने अपने सीएम के चेहरे के दावे कर रहे हैं। ये चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला कर दिया इनको भी बदलना है।